उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया है। यहाँ शुक्रवार रात को राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में बारिश हुई, कहीं जमकर बादल बरसे तो कहीं कहीं हल्की बौछार देखने को। यूपी के नोएडा में शनिवार की सुबह से ही मौसम का बदला मिजाज देखने को मिला और बारिश से सड़कें भींग गई। ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि से मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में शनिवार, रविवार और सोमवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ IMD के मुताबिक शनिवार को कई इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। इस दौरान अलीगढ़, मथुरा, मायानगर, आगरा, फिरोजाबाद और इटावा में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद समेत अन्य इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। वहीं रविवार को यूपी के लगभग 50 से अधिक जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हमीरपुर, जालौन, महोबा में ओले और बारिश की आशंका है। वहीं प्रदेश की पीलीभीत, सीतापुर, खैरी, बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या समेत लगभग 50 से अधिक जिलों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अचानक बदले मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी के नोएडा में शनिवार सुबह से ही बारिश हो गई है। इस दौरान कई इलाकों में कम तो कहीं ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। प्रदेश का मौसम अचानक बदल जाने से लोगों को जीवन से लेकर स्वास्थ्य पर भी असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली में भी हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिली। दिल्ली के साथ साथ NCR के कुछ इलाकों में मौसम ने करवट ली और NCR के भी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। बीती रात भी दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो नई दिल्ली में आसमान बादलों का डेरा रहेगा और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं कल यानी 3 मार्च की बात करें तो नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं कल दिल्ली में बारिश का पूर्वानुमान तो नहीं है, लेकिन अधिकांश तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।